नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम अध्ययन कर रहे थे लागत विश्लेषण का, जिसके अंदर हमने लागत अल्पकाल के अंदर जो था वो अध्ययन कर लिया था, यानी कॉस्ट एनालिसिस इन शॉर्ट रन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे देखेंगे, यानी कॉस्ट एनालिसिस इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल में लागत विश्लेषण। जैसा कि आपको मालूम है कि दीर्घकाल में कोई भी लागत जो होती है वो स्थिर नहीं रहती है, यानी सभी लागतें परिवर्तनशील लागतों में बदल जाती हैं। जैसा कि अल्पकाल के अंदर हमारे कुछ लागतें स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होती हैं, उस जब हम उसको देखते हैं तो अल्पकाल में होता है, लेकिन दीर्घकाल में इतना बड़ा टाइम हमारे पास होता है, इतना लंबा टाइम होता है कि सभी लागतें परिवर्तनशील बन जाती हैं। परिवर्तनशील से ऐसा क्या है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन सभी लागतें परिवर्तित की जा सकती हैं। अब आपके लिए क्या होता है, बहुत सारे अल्पकालिक उत्पादन फलन आपके लिए बन जाते हैं, उसके अंदर अल्पकालिक लागतों के अलग अलग पैमाने आप बदल सकते हैं, आप अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जब आप हर चीज़ अलग अलग बदलते हैं तो पैमाने ही आपके लिए क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि इसके अंदर हम कैसे लागत का विश्लेषण करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए, कॉस्ट एनालिसिस इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल में लागत विश्लेषण। जैसा कि आपको बताया गया, दीर्घकाल में सभी लागतें क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तनशील हो जाती है, यानी कि इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि सारे पैमाने आप इसमें बदल सकते हैं। यानी पैमाने बदल जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे आपके लिए नए अल्पकालीन औसत लागत वक्र बनते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व SAC। तो ये जब आपके पास लंबा टाइम पीरियड है तो आप क्या करते हो, अलग अलग लेवल पे इसका का उत्पादन करके आप देखते हो और आपके पास बहुत सारे जो है वो औसत लागत वक्र बनते हैं। अब जब आपके पास बहुत सारे ऐसे होते हैं औसत लागत वक्र, आपके पास अल्पकाल वाले होते हैं, इनको जब आप स्पर्श करके लिए एक रेखा खींचते हैं, यानी बहुत सारे आपके पास ऐसे चीज बनेंगे, अब उन ऐसे चीज को स्पर्श करते हुए जो रेखा खींचोगे वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र या LAC कहलाता है। इसको लिफाफा वक्र भी बोला जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो सभी SAC होते हैं उनको एक लिफाफे की तरह अपने अंदर आवरण के अंदर लेके चलते हैं। ये कैसे होगा, डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे। हाइड्रोलिकल कोर्स में आप एक बार लिख लीजिए, इसको लिफाफा आवरण या एनवलप कर्व भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है, LAC को। क्यों, क्योंकि ये सभी जो SAC होते हैं अल्पकाल में जो आपके औसत लागत कर्व होते हैं उनको अपने अंदर समाहित करके चलता है। हमने जो देखा था SAC पीछे के लेक्चर के अंदर, उनका आकार की तुलना में जो LAC के आकार होते हैं वो क्या होते हैं, कम चपटे होते हैं। जहां भी आप शॉर्ट रन की जगह लॉन्ग रन का अध्ययन करेंगे, यानी अल्पकाल में दीर्घकाल में आते हैं, तो जो इनके कर्व के आकार होते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम चपटे हो जाते हैं। जैसे इसमें तक इसमें आप आकृति कम चपटे आकार की मिलेगी, उसके अंदर हमने जैसे मान लागत को देखा तो ज्यादा यू आकार के चपटे आकार के होते हैं। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है, फर्क इफेक्ट्स धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि आकार क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम चपटे होते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि आकार क्या आएगा, ये उत्पत्ति के नियम के आधार पर कि वो कौन सी कंडीशन के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न में कर रहे हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न में कर रहे हैं, या कॉन्स्टेंट रिटर्न के अंदर कर रहे हैं, इसके आधार पर इनके आकार फाइनल होते हैं। अब आपकी बात आती है कि LAC बनाते हैं दीर्घकाल में लागत का, तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं उनको स्पर्श करके रेखा LAC होती है। तो हमारे पास हमने एक ऑप्शन लिया, यहां हमने ली उत्पादन की मात्रा, यहां हमने ली लागते हैं कॉस्ट। अब आप उत्पत्ति के अलग अलग नियमों के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे LACs बनते हैं। अब इनको स्पर्श करती हुई जो आप रेखा खींचेंगे, ये सारे आपके क्या है, SAC, यानी शॉर्ट रन के जो SAC होते हैं आपके पास, औसत लागत कर्व होते हैं, क्रम से 3, 4, 5, 6। अब इनको स्पर्श करती हुई जो आप रेखा खींचते हैं, ये क्या कहलाती है, आपकी LAC कहलाती है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र इसको कहा जाता है। लिफाफा का वक्र क्यों कहा जाता है इसको, ये आपके समझ में आएगा, ये क्या कर रहा है, सभी SAC को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करके चलता है, इसलिए इसको
एनुलम करोगे इसको बोला जाता है। अब ये तो एक जनरल इसका आइडिया हो गया है पैलेसिस का कि इस हिसाब से बनता है। अब अगर हम बात करें कि फरम जो है वो किसमें काम कर रही है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर, यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कैसे बनेगा। जब फरम किसमें कर रही है उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंदर कार्य कर रही है, तो आपको मालूम है जब वो इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर काम करती है तो लागतें कैसे होती है डाउन होती हुई, यानी उत्पादन की मात्रा लागत लागतें क्या होगी क्रम से आपके पास कम होती हुई होती है। तो जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी इसकी जो टेंडेंसी होगी वो किस तरह की होगी, ये आपका क्या हो जाएगा एलएसी, ये सारे आपके क्या हो गए एसएससी 1 2 3 4, और इनको स्पष्ट करते हुए जो रेखा खींची जाएगी ये कहलाएगा आपका एलएसी। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंदर फर्म कार्य कर रही है। अगर ये फर्म उत्पत्ति समता नियम के अंदर कार्य कर रही है तो ये लागत है एलएसी वक्र कैसा होगा कि जब कॉन्सेंट्रेटर के अंदर आपकी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर में आपको मालूम है कि कैसा रहता है एलएसी भी कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये सारे आपके क्या हो गए एसएससी। और उनको स्पष्ट करते हुए आप रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगी आपकी एलएसी कहलाएगी। ये किसके अंदर काम कर रही है आपकी फर्म कॉन्स्टेंट रिटर्न के अंदर काम कर रही है। ये डायग्राम बना लीजिए, उत्पत्ति समता नियम। अब अगर फर्म उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर काम कर रही है तो आप पहले से वक्त कैसा करेंगे, जब उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर आप काम कर रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तब कैसा बनेगा, तो आपकी लागतें यहां पे क्या होती है बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो क्रम से जो आपका एलएसी बनेगा इनको टच करता हुआ इस तरह से बनेगा, ये हो गया आपके एसएससी। और उसको स्पष्ट करती हुई जो रेखा जाएगी ये कहलाएगा आपका एलएसी। अब यहां पर आपकी क्या लागतें बढ़ रही है क्योंकि अनुकूलतम सहयोग के बाद भी आप क्या कर रहे हैं उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्थिर लागतों के साथ परिवर्तनशील लागतें यानी सभी लागतें बढ़नी स्टार्ट होती हैं। लागतें बढ़ेंगी तो आपको पैमाने की विक्रेताएं ऐसे समय पर समाप्त हो जाती है, तो जो एलएसी बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। ये था आपका डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर एलएसी वक्र। एक बार दोबारा देख लीजिए आप, ये क्या होते हैं आपके एसएससी जो क्योंकि दीर्घकाल में आप क्या करते हैं अपने उत्पादन के पैमाने बदलते रहते हैं, आपके लिए बहुत सारे अल्पकालीन उत्पादन औसत लागत वगैरह आपके पास होते हैं, यहां से उत्पादन नहीं हो रहा है आपने उसको कमीशन चेंज किया फिर चेंज किया फिर चेंज किया फिर चेंज किया फिर चेंज किया, और इन सबको स्पर्श करते हुए आपकी क्या कहलाती है एलएसी या दीर्घकालीन औसत लागत वगैरह कहलाता है। अब यह सभी को स्पर्श करता हुआ जाता है। एक चीज आपको रखना जरूरी नहीं है कि ये जो एसएससी वक्र है उसके न्यूनतम बिंदु पे स्पर्श करे, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये स्टार्टिंग बिंदु पे स्पर्श कर सकता है, न्यूनतम बिंदु पे स्पर्श कर सकता है, और उसके ऊपर उठते हुए बिंदु को स्पर्श करता है। ये डिपेंड करता है कि फर्म किस कंडीशन के अंदर कार्य कर रही है। अगर वो इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर कार्य कर रही है तो ये इस बात को स्पर्श करेगा, अगर वो कॉन्स्टेंट रिटर्न के अंदर काम कर रही है फर्म तो उसके लोएस्ट पॉइंट को स्पर्श करेगा न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करेगा, और अगर डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर काम कर रही है तो ये इसके बढ़ते हुए जो पॉइंट होता है एसएससी का उसको स्पर्श करता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसके न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करे। हाँ, अनुकूलतम सहयोग की अगर हम बात करें आदर्शतम बिंदु की बात करें या ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहां पर होगा आपका, तो जहां पर एलएसी के न्यूनतम बिंदु को एलएसी स्पर्श कर रहा है वो बिंदु आपका क्या होगा आदर्शतम बिंदु
होगा, यानी कि एसएससी वर्ग के न्यूनतम बिंदु को क्या कर रहा है, एलएसी स्पर्श कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आदर्शतम बिंदु हो जाएगा। लेकिन इसके साथ दो कंडीशन आपको ऐड कर लीजिए कि हमें आपसे बहुत सारे आपके लिए बनते हैं, तो कौन से पॉइंट पे हम काम करें, इसके करें, इसके करें, इसके उत्पादन करें, इसके करें। यहाँ पे हमारा आपका उत्पादन है Q1, यहाँ पर है आपका Q2, यहाँ पे Q3 या Q4 है आपका, या Q5 है, Q6, तो कौन सा प्रोडक्शन किया जाए हमारे लिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ये जो वक्त रहेगा स्पर्श करें इसको, निम्नतम बिंदु को स्पर्श करें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखिए आप, SSC और SMC भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उत्पादन का आदर्शतम बिंदु की सीमा क्या होगी आपकी, जहां पर LSC क्या हो, LMC के बराबर और SSC SSMC के बराबर। अभी तक हमने क्या देखा है, LSC, अब हम देखेंगे LMC, दीर्घकालिक सीमा लागत वक्र। यह आप एक बार बना लीजिए, जैसा कि आपको बताया गया कि दीर्घकाल में जो वक्र होते हैं वो अल्पकाल की तुलना में चपटे होते हैं, तो जो सीमांत लागत वक्र होगा दीर्घकाल का वो भी क्या होगा, चपटा होगा। तो जैसे हमने ये बनाया पहले से, और ये हमारा हो गया LMC, ये आपका हो गया उत्पादन की मात्रा, आपकी तो ना, तो उसे क्या होते हैं चपटे, वैसे ही प्रदर्शन करेंगे जैसे अल्पकाल के अंदर प्रदर्शन करते हैं। जो गिरता होता है तो LMC उसे ज्यादा तेजी से गति करेगा, जब बढ़ेगा तो LMC उसे ज्यादा तेज गति से बढ़ेगा। एक बिंदु के ऊपर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, कहां पर स्पर्श करेगा, जहां उसकी न्यूनतम पॉइंट होगा उस पर LMC उसको काटेगा। तो ये बिंदु क्या है आपका, आदर्शतम उत्पादन की सीमा है, इस पे आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। यहाँ पे आपको लागत ज्यादा आएगी, यहाँ पे लागत आपकी ज्यादा आएगी, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आदर्शतम बिंदु है, मिनिमम कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दीर्घकालिक यहाँ पे क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं वक्र उसको आगे काटेगा, जो एवरेज कॉस्ट वक्र था हमारा SSC, तो उसको SMC स्पर्श करेगा। तो यानी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बन गया, LSC = LMC, ये फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई हमारी। और चूंकि ये क्या होते हैं अल्पकालिक समायोजन करके जब का लिफाफा करो होता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, SSC भी SMC के बराबर होगा। तो ये आपकी उत्पादन की आदर्शतम सीमा होती है, जहां पर ये कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है। इसको स्टार्ट करके लिख लीजिए, और एक इसको लिफाफा वक्र बोला जाता है, ये भी आप स्टार्ट करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं जो LSC वक्र होता है, इनकी विशेषताएं क्या है। तो जैसा कि आपने अभी देखा सर, इसके आधार पर आप कुछ इसकी विशेषताएं बना सकते हो। एक तो क्या होते हैं, चपटे होंगे। दूसरा इनको क्या बोला जाता है, प्लानिंग करो भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, भविष्य के लिए उत्पादन की एक सर्वश्रेष्ठ संभावना जो मिनिमम कॉस्ट पे है वो प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लानिंग रिटर्न इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इसे तरीके इसकी LSC वक्र सदैव SSC वक्र से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। यानी ये जो SSC का आपको बताएंगे इसे नीचे नहीं बनाया गया था, तो LSC वक्र सदैव SSC के नीचे होते हैं। दूसरी विशेषता लिखिए, LSC वक्र SSC को स्पर्श करते हुए होते हैं, लेकिन न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करें ये कोई आवश्यक नहीं, डिपेंड करता है वो कौन से कंडीशन के अंदर कार्य करें, उसके आधार पर ये स्पर्श करें। LSC वक्र को प्लानिंग करो भी बोला जाता है, संभावना रेखा है, संभावना वक्र भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भविष्य में उत्पादन का लागत की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको प्लानिंग रेखाएं भी बोला जाता है। LSC वक्र का न्यूनतम बिंदु उत्पादन का आदर्शतम संयोग होता है। तो यह था आपका दीर्घकाल के अंदर लागत विश्लेषण।
एक इसमें साथ में आप लिख दीजिए लागत अंदरीकरण के अंदर आपका रह गया था, एक उसकी आपकी आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट, और एक होती है आपकी लेखा लागत, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें डिफरेंस क्या है, देखने में दोनों समान लगते हैं। लेखा लागत क्या होती है, जो आप वास्तव के अंदर पेमेंट करते हैं, ईयर के अंदर आपने जो पेमेंट किया किसी चीज को खरीदने के लिए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, परचेस करने के लिए, जो भी आप कर रहे हैं, जिसका लेखा आप वास्तव के अंदर करते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपकी लेखा लागत, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी भी प्रकार से उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को स्थापित करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जितना भी आपको मौद्रिक मूल्य पे करनी पड़ती है, कैश के अंदर आप पेमेंट कर रहे होते हैं, वो आपकी लेखा लागत कहलाते हैं, जिनका आप लेखांकन पुस्तकों के अंदर करते हैं। दूसरा आपका आता है इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत। आर्थिक लागतों के अंदर लेखा लागत शामिल होती ही होती है, यानी कि ये इससे बड़ा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट से इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा बड़ा उसका कंसेप्ट है। इसमें आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट शामिल होती होती है, साथ ही साथ आप क्या करते हो, जैसे कि अवसर लागत होगी, आपने किसी एक चीज को परचेस किया, दूसरे को नहीं परचेस कर पाए, उसकी अवसर लागत होगी। आप जैसे खुद आप अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी होगी, आपने घर का खुद का पैसा लगा रखा है, उसका ब्याज हो गया, तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, कैसे पेमेंट तो नहीं करते हो, लेकिन वास्तव में तो ये लागत है ना। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे तो आप कोई सर्विस कर रहे होते हो, कुछ और कर रहे हो, उसके बदले आप कुछ तो कमाते हैं, तो ये सारी लागतें इसके अंदर समाहित कर ली जाती है, इन लागतों के साथ में ये भी शामिल कर लिया जाता है, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट या आर्थिक लागत। पहला आपका लेखा लागत, दूसरा आर्थिक लागत। लेखा लागत यानी अकाउंटिंग कॉस्ट, जो वास्तव में साधनों के लिए करनी पड़ती है, जिनका लेखा पुस्तकों में किया जाता है, और आर्थिक लागत जो कि इन लागतों के साथ साथ आपको जैसे ऑपरचुनिटी कॉस्ट आपको बताई, यानी जो वास्तव में आप मुद्रा के रूप में नहीं चुका रहे थे, लेकिन वो कॉस्ट तो होती है आपको, तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये थी आपकी लागतों के दो अन्य प्रकार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।